आज सुबह मुझे पोको F1 में एक अपडेट आया है जो एंड्रॉयड पाई का, और इसमें जो MIUI वर्जन भी चेंज हुआ है। देखते हैं इसमें क्या क्या चेंज आया है। आइए मोबाइल स्क्रीन पर देखते हैं यहाँ पर जो अपडेट मिला है वो क्या क्या मिलता है। जो अपडेट आया है उसका भाषण है 10.1.3.0 PEJMIFI, मतलब एंड्रॉयड पाई बेस्ड MIUI जो 10.1.3.0। इसका अपडेट का टोटल साइज है 1.7 GB, जो स्टेबल वर्जन दिखा रहा है। पहले में जो दिखा रहा है एंड्रॉयड पाई वर्जन, पहले दिखा रहा है जो एंड्रॉयड पाई, यहाँ पर आपको एंड्रॉयड पाई मिलेगा। कैमरा के बारे में जो अपडेट आया है वहाँ पर दिखा रहा है गूगल लेंस सपोर्ट, इशू विथ एंड्रॉयड ऑटो, माइक्रोफोन डिड नॉट वर्क आफ्टर एयरफोन्स हैड बीन कनेक्टेड, सेटिंग फॉर टर्निंग ऑफ स्क्रीन ऑटोमेटिकली कुड नॉट बी यूज। तो ये कुल मिलाकर ये अपडेट दिया है। चीज है मेरा जो भाषण है, मेरा जो एंड्रॉयड भाषण है वो अभी आप दिखाते हैं। जो यहाँ पर आपको जो एंड्रॉयड ओरियो 8.1.0 ओरियो है, एंड्रॉयड अक्टूबर का जो सिक्योरिटी पैच यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको 10.0.6 MIUI वर्शन है। और यहाँ पर जो दिखा रहा है जो MIUI वर्शन 10.1.3.0 PEJMIFI जो 1.7 GB का ये अपडेट है। अपडेट होने के बाद मैं आपसे फिर मिलूँगा। अपडेट के बाद मैं फिर लौट आया हूँ। देखिए पहले हम देख लेते हैं इसका भाषण क्या है। देखिए यहाँ पर जो एंड्रॉयड वर्जन पाई मिला है, यहाँ पर ये जो पाई है ये और यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी जो पैच देवेल है वो नवंबर एक तारीख का जो सिक्योरिटी पैच वो यहाँ पर दिया हुआ है। और जो MIUI वर्शन वो भी चेंज हो गया है, ये 10.1.3.0 जो स्टेबल वर्शन है। और देखिए क्या क्या चेंज आया है इसमें। अब देखिए यहाँ पर जो सेटिंग का जो आइकन है, ये आइकन कुछ चेंज हो गया है यहाँ पर। कैमरा के बारे में जो अपडेट आया है यहाँ पर देखिए गूगल लेंस, ये एक बल्ब है। अगर गूगल लेंस पर जाके आप ये बल्ब का गूगल लेंस पर जाइए और ये बल्ब आप कॉपी कीजिए, देखिए यहाँ पर ये बल्ब का ऑप्शन दिखा रहा है। ये एक नया चीज़ दिया है यहाँ पर। अगर आप ये एक पौधा का एक डेमो देखिए, यहाँ पर देखिए ऐसा नया एक ऑप्शन दिया है यहाँ पर, ऐसा कुछ दिया है। देखिए और एक जो यहाँ पर देखिए मेरा एक पोको फोन का जो एक कवर यहाँ पर देखिए, वहाँ पर उसका जो गूगल लेंस पर कैसे काम कर रहा है देखिए। देखिए यहाँ पर और कुछ जो बैक कवर की कुछ इमेज आ गया है, मेरा एक लाइट है उसका देखिए इमेज कैसे काम करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे कुछ इमेज आ गया है। तो ऐसा एक एक फीचर दिया हुआ है। और कैमरा में और ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आया, सेम ही ऑप्शन वहाँ पर आया है। फ्रंट कैमरा में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया, इसमें सेम ही ऑप्शन है। यहाँ पर सेटिंग्स में भी सेम ऑप्शन ही है। और एक चेंज आया है, सेटिंग में जाना पड़ेगा। सेटिंग के जाने का डिस्प्ले में यहाँ पर एक नया ऑप्शन दिया है, एम्बियंट डिस्प्ले जो ऑलवेज ऑन और ऑलवेज ऑफ, एक नया ऑप्शन दिया है एम्बियंट डिस्प्ले के बारे में। 37% रैम दिखा रहा है, लेकिन मेरा जो पहले वो 50% ही रैम दिखा रहा था। 3.5 mm हेडफोन जाके यहाँ पर डालेंगे तो इसका जो माइक का जो इशू चल रहा था वो भी सॉल्व हो गया है। तो कुल मिलाकर यही कुछ फीचर मुझे अभी तक नज़र आया। और इसके बारे में अगर आपको किसी को और कुछ मिला है तो आप ज़रूर कमेंट में बताना और क्या क्या मिला है आपको। तो आपने देख लिया है, थोड़ा मेरा शॉर्ट रिव्यू किया है
और कुछ अगर ओवरलुक कर गया तो आप जरूर कमेंट में बताना, और किसी को कोई और कुछ अपडेट के बारे में जानकारी है तो आप मुझे बताना, तो मुझे मेरा भी नॉलेज गेन होगा। और तो MIUI 10.1.3.0 किसी को मिल गया है, किसी को नहीं मिला, लेकिन सभी को जरूर मिलेगा। तो आप थोड़ा धीरज रखिए, इसका जो अपडेट होने के बाद इसमें कैमरा का कोई चेंज आया है या इसमें कैमरा का कोई कोई इम्प्रूवमेंट हुआ है, इसके बारे में मैं अपडेट आपको दूंगा। तो विश्वास टेक इन्फो के साथ बने रहिए। आज के लिए वीडियो यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छे रहिए, खुश रहिए। सत्यमेव जयते।